अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। इस्लामी और दीनी भाइयों, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रात में इशा के वक्त रोते हुए पहुँचे और उन्होंने एक झूठी कहानी घड़ी और उसको याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बयान किया, तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पर यकीन करते हुए, उनके तमाम उमूर को समझते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इस बड़ी आजमाइश पर सब्र किया। साथ ही जो कुछ भी उन्होंने बयान किया उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगी, मदद तलब की कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उन तमाम आजमाइशों पर सब्र जमील की तौफीक बख्शे। बहुत बड़ी बात होती है कि कोई बाप जो अपने किसी बेटे या बेटी से बेहद मोहब्बत करता हो, फिर अचानक एक बड़ा हादसा उसके बेटे को अपना शिकार बना ले और अचानक खुशी गम में तब्दील हो जाए तो दिल दहल उठता है। उधर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं में मौजूद हैं और अल्लाह के अम्र से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से हज़रत जब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तकबाल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वअौहैना इलैहि, और हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही की कि जो कुछ भी आपके भाइयों ने आपके और आपके वालिद याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान जुदाई डाली है, जुदाई पैदा की है, और जिस तरह उन्होंने आपके लिए साजिशें रची थी, उन तमाम के ताल्लुक से आप एक दिन ऐसा आएगा कि इनको मुतनब्बह करेंगे, मुत्तला करेंगे, बाखबर करेंगे, जिससे आपके ये भाई अभी गाफिल हैं। और पूरी तफसील बयान की कि आगे क्या होने वाला है आपके साथ। सारी खबरें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ्यूचर के ताल्लुक से, मुस्तकबिल के ताल्लुक से, खाह उसका ताल्लुक मसरतों से हो, खुशहालियों से हो, या उसका ताल्लुक आजमाइशों से हो, सबको बयान कर दिया। मकसद क्या था? ताकि दिली तस्कीन हो जाए, दिली इत्मीनान हो जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 10 बरस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनको दिली तस्कीन और इत्मीनान आता किया गया। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं के अंदर 3 दिन तक रहे। अचानक एक दिन एक काफिले का गुजर उस जगह से हो रहा था। काफिले के अमीर ने किसी शख्स को पानी भरने के लिए कुएं की तरफ भेजा। वो शख्स आया और जो डोल था उसको उसने कुएं के अंदर डाला। उसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ गए। जैसे ही उस शख्स ने डोल को अपनी ओर खींचा, अपनी तरफ खींचा, तो क्या देखता है? एक हसीन व जमील खूबसूरत लड़का है। क़ाल या बुशरा हादा गुलाम, उसने कहा अरे ये तो गुलाम है, ये तो लड़का है, खूबसूरत लड़का है। काफिले वालों, बिशारत है तुम्हारे लिए, खुशखबरी है। और खुशी से उसने बुलंद आवाज से कहा या बुशरा, हाँ खुशखबरी है, खुशखबरी है, खुशखबरी है। उस वक्त जब कोई काफिला या लोग किसी अजनबी मर्द को तन्हा या औरत को तन्हा या लड़का या लड़की को तन्हा पाते, तो वो खुश हो जाते। क्यों? क्योंकि वो उसको गुलाम बना लेते, खादिम बना लेते और फिर बाद में मकसद ये होता उसको बेच डालते और उनको एक अच्छी खासी रकम मिल जाती जिससे वो फायदा उठाते। जब उसने ये ऐलान किया बुलंद आवाज से कि खुशखबरी है, ये लड़का है, तो इत्तेफाक से यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इखवान थे, जो भाई थे, वो भी उसी कुएं के इर्द गिर्द अपनी भेड़ें बकरियां चरा रहे थे। उन्होंने जैसे ही सुना वो भी दौड़े दौड़े इनके पास पहुंचे और फिर यहां झूठ बोला। उन्होंने कहने लगे ये हमारा गुलाम है, हमारा खादिम है, जो हमसे भाग करके इस कुएं में गिर गया था। अगर तुम चाहते हो तो इसको वापस कर दो या अगर चाहते हो इसको तुम ले लो, लेकिन हमें इसकी रकम दो। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा है, वशरौहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा वकानू फीहि मिन ज़ाहिदीन। शरौहु ऐ बाऊहु, शरा यहां पर बै के माने में है। और उन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चंद टकों, चंद पैसों के इवज बेच डाला। हकीकत में वो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेरगबत थे। अगर वो काफिले वाले इनको ना भी बेचते तब भी ये उनको फ्री में दे देते, क्योंकि मकसद यही था उनको उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर करना मकसद था। बाप बेटे की जुदाई कराना मकसूद थी। खैर, जो भी मिला उस पर वो खुश होकर के निकल लिए, साइड हो लिए। उधर ये काफिला मिस्र की तरफ रवाना हुआ और अपने रास्ते में उन्होंने तरह तरह की रहमतों और बरकतों का नुजूल होते हुए देखा। जाहिर सी बात है, नबी उनके साथ मौजूद है, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन पर रहमत के साए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनके लिए बरकतों का नुजूल है कि जिसका फायदा काफिले वाले भी उठा रहे हैं। यहां एक बहुत अहम फायदा जिक्र करता चलूं कि जिस कौम के अंदर सालेह और मुसलिह शख्स मौजूद होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम को बुरी आफतों से महफूज रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौम को अजाब नहीं देता, सजा नहीं देता जिस कौम में मुसलिहीन की तादाद होती है। इसलिए सालिहियत ये काफी नहीं है, बल्कि अगर सालिह माल मुसलिह हो, यानी इस्लाह भी करने वाला हो, नेक होने के साथ साथ, तब जाकर के कोई कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का बाइस बनती है। वरना कितना बड़ा जुर्म है कि एक नबी को लोग उठा करके कीमती सामान समझ करके छुपा करके लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो उनको सजा देता, लेकिन चूंकि इसमें फायदा था और अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीम है, हिकमत वाला है, कि आगे चल करके यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र के एक बड़े महल में जिंदगी गुजारना थी। खैर, ये काफिला चला, मिस्र पहुंचा, तो जहां पर ये लोग गुलाम वगैरह बेचते थे, जिस जगह खादिमों को, खुद्दाम को, खिदमत गुजारों को, गुलामों को, बांदियों को खरीदा और बेचा जाता था, उस बाजार में ये लोग पहुंचे। इत्तिफाक से अजीज़े मिस्र का वहां से गुजरना हुआ। अजीज़े मिस्र ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो एक कशिश, अट्रैक्शन में गिरफ्तार हो गया और फौरन उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खरीद लिया अपनी बीवी के लिए। महल में पहुंचा लेकर के तो बीवी से कहा, अक्रिमी मसवा, इज्जत कीजिए इस बच्चे की, इकराम और इज़ाज से नवाजिए, खूबसूरत और आसाइश से भरपूर एक कमरा इसे दे दीजिए ताकि ये आराम से रहे, खुश रहे। अल्लाहु अकबर, किस हाल में उन्होंने जिंदगी गुजारी। अपनी पिछली जिंदगी कनान नामी एक देहात में भाइयों की तकलीफें सही, आजमाइश के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और नेमत अता कर दी। और मैं बार बार ये कहता रहता हूं और कहता रहूंगा कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी बड़ी नेमतों से नवाजता है उतनी ही बड़ी आजमाइशों में भी डालता है। बड़ी नेमत यह थी कि अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम के घर पैदा किया, बाप को नबी बनाया, दादा को नबी बनाया, परदादा को अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना खलील बनाया, रसूल बनाया। ये पूरी नेमत ही तो नेमत है। आजमाइश के भाइयों के जरिया से आपको कुएं में डलवा दिया गया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरी नेमत अता की कि कसरे अजीजे मिस्र के अंदर रहने का मौका फराहम किया। बहुत बड़ी बात है ये। आगे क्या कहता है अजीजे मिस्र, आसा अन यनफअना औ नत्तखिज़हु वलदा। बेगम, इसका इकराम कीजिए, मुमकिन है ये हमें नफा पहुंचाए, फायदा पहुंचाए, या ये कि हम इसको अपनी औलाद बना लें, क्योंकि अजीज मिस्र के यहां कोई औलाद नहीं थी। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कसर में जिस वक्त दाखिल हुए, अभी 10 बरस ही की उम्र है। बड़े हसीन, बड़े जमील, बड़े खूबसूरत, जुबान से जैसे फूल बरसते हों, बड़ी प्यारी जुबान इस्तेमाल करते थे। कसर के जितने भी खुद्दाम थे, खादमाएं थीं, बांदियां थीं, आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल को देख करके मुतासर हो जाते। उनके बोलने के तरीके, चलने के तरीके, चाल चलन, ढंग, रहने सहने का जितना भी तरीका था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, उसको देख करके वो हैरत ज़दा थे। और क्यों ना होते भाई, एक नबी की जिंदगी है, आने वाले वक्त में एक अजीम बादशाह बनने वाले हैं, रसूल और नबी बनने वाले हैं। तरबियत अल्लाह के जिम्मे है, नबियों और रसूलों की, सुलहा की, नेक लोगों की, मोमिनों की। अल्लाह रब्बुल आलमीन पालनहार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तरीके सिखला रहा है। बाप से जुदा हुए तो क्या हुआ, लेकिन सिखाने वाला सबसे अजीम रब तो मौजूद है। खैर, उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र धीरे 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 बढ़ती रही, जिंदगी की कई सीढ़ियां चढ़ते रहे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यूं ही 10 साल गुजर गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जूं जूं उम्र की एक नई सीढ़ी पर कदम रखते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतने ही ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील बनते जाते थे। 20 साल की उम्र हो गई। अजीजे मिस्र की बीवी के दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत थी, 10 साल की यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र से लेकर के अब तलक, वो मोहब्बत अब इश्क में तब्दील हो गई। यहां मसला हो गया, 20 साल की उम्र, इस कदर हुस्न, इस कदर जमाल कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। अजीज़े मिस्र की बीवी कौन थी, हम और आप बखूबी वाकिफ हैं, और हम में से अक्सर व बेशतर लोग उनके एक नाम से वाकिफ हैं, जबकि सही ये है कि वो लक़ब है और हम समझते हैं कि ये नाम है। जुलैखा। जुलैखा ये नाम नहीं था बल्कि लक़ब था उस औरत का, अजीज़े मिस्र की बीवी का। नाम जो था वो राइल था, राइल, आयन से राइल। उसके दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत घर कर गई, इस कदर फिदा हो गई, इस कदर फिदा हो गई कि शैतान ने, इबलीस ने इस औरत के दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को इश्क में बदलते हुए हवा परस्त बना दिया। जो कभी मोहब्बत थी अब इश्क में तब्दील हो गई और इस कदर आशिक हुई कि वो ये चाहती थी कब उसे मौका मिले और कब मैं अपनी ख्वाहिश यानी बुरी ख्वाहिश पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को आमादा करके खुद को बर्बाद कर डालूं। बहुत बड़ी बात है। अजीज मिस्र की बीवी, बादशाह जो उस वक्त मिस्र का था, उसके बाद सबसे ऊंचा मकाम अजीज मिस्र का था। बरतानवी हुकूमत का जो सियासी निजाम है वही सियासी निजाम उस वक्त मिस्र का था कि एक सबसे बड़ा बादशाह होता और उसके तहत एक रईसुल वुजरा होता जिसको हम पीएम कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और उसकी बीवी ऐसा कदम उठाए। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में ईमान की बशाशत को, ईमान की मोहब्बत को इस कदर सख्त कर दिया था कि वो निगाहें नीची कर करके चलते थे। अल्लाह अकबर। नबी हैं, वही रसूल हैं, अल्लाह के बुरगुजीदा पैगंबर हैं। अब आगे जुलैखा ने क्या कदम बढ़ाया और किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को उससे महफूज किया, नाजरीन हम उसका तस्करा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।